Hello everyone. How are you all? I hope you are doing well. I am dapika Welcome to EduPlus, a place which makes learning easy for you. From today, I am going to start the 11th class economy. So first, uh, let's talk about this syllabus. Your syllabus is divided in two parts, which means you are having two books. Very first is microeconomy, and the second one is statistics. In microeconomy, we studied about the इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमी एंड इन स्टेटस्टिक्स डेटास एंड इन्फॉर्मेशंस जो नंबर्स की फॉर्म में होती हैं उन्हें हम कलेक्ट करते हैं अनालिस करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं तो ये सब आएगा स्टेटस्टिक्स में और माइक्रो इकोनॉमी में हम इकोनॉमी की किसी एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करेंगे मार्केट के बारे में बात करेंगे ओके सो फर्स्ट वी आर गोइंग विद माइक्रो इकोनॉमी सो बिफोर the economics we should know about the economy that what is economy and this is the very first point of your syllabus okay so let's start with the economy इकॉनमी इकॉनमी मीन्स देखो मैंने आपको यहाँ पी डी एफ में बहुत सी लाइक मीनिंग्स वगैरह एक्सप्लेन किए हैं तो मैं एक एक लाइन बाई लाइन पढ़ के आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ मैं आपको सिर्फ उसका एशंस जो है वो मैं आपको बाई वर्ड्स बताऊँगी और बाकी आपको पी डी एफ पढ़ के समझ लेना है समझना क्या है इन द सेंस कि भी जो भी मीनिंग जो भी डेफिनेशनस है उन्हें उनके नोट्स बना लेने हैं और उन्हें लर्न कर लेना है ओके okay, सो so, इकॉनमी इकॉनमी वो प्लेस है जो लोगों को लाइवलीहुड अर्न करने और स्पेंड करने का मीन प्रोवाइड करती है लाइवलीहुड मीन्स जीविका जीविका मीन्स यू ऑल नो कि लाइफ uh, के लिए जो भी हैं हम uh, हमें रुपीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं रुपीस लाइक कि uh, एक लाइन जो मुझे याद आ रही है पड़ी हुई कि कहते पैसा खुदा नहीं है पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है ओके सो अ काइंड ऑफ थिंग कि सब कुछ जो है वो रुपीस से ही चलता है है ना हमें अपनी जो भी नीड्स हैं जो भी हर एक नीड को फुलफिल करने के लिए वी नीड मनी ओके और फॉर मनी वी डिपेंड ऑन लाइवलीहुड वी डिपेंड ऑन आर एम्प्लॉयमेंट ओके ओके सो मनी अर्न करने के लिए जो भी प्रोसेस की जाती है वो सब आ जाएगा आपके लाइवलीहुड में आपके एम्प्लॉयमेंट में ओके okay? सो so, आपको ऑप्शन मिलते हैं जहाँ से आप जहाँ आप वर्क कर सकते हो प्लस आपके पास सोर्सेज होते हैं टू गेट मनी प्लस स्पेंड करने के लिए भी आप अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए डिसाइड करते हो कि आपको कहाँ कितना और कब स्पेंड करना है तो ये सब आ जाएगा इकानमी में एंड व्हेन वी स्टडी अबाउट दिस इकोनॉमी दिस सोशल स्टडीज नोन एज इकोनॉमिक्स जब हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो इसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं बिकॉज इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है इकोनॉमी जो है इकॉनॉमी है एक प्लेस है लाइक like, uh, जैसे इंडियन इकॉनमी की अब हम बात करें इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियन इकॉनमी इट मीन्स जो इंडिया की बाउंड्री जो है जहाँ तक इंडिया uh, की बाउंड्रीज है वो हो रहेगी हमारी इंडियन इकोनॉमी ओके नेक्स्ट इज जो इकोनॉमी है उसे क्लासिफाई किया हुआ है प्लान इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी तो ये सब क्या है उनके बारे में बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो टोटली totally डिपेंड करती है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई और डिमांड पर गवर्नमेंट जो होती है उसका लेस कंट्रोल uh, होता है कोई कंट्रोल नहीं होता है अब देखो डिमांड एंड सप्लाई पर वर्क कर रही है डिमांड मींस किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में प्लस उसकी सप्लाई कितनी है इस चीज़ से सारी चीज़ें सारी एक्टिविटीज़ जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो डिसाइड की जाती हैं ओके तो वो आ जाएगा मार्केट इकोनॉमी प्लस ये हो गया डिपेंड सब कुछ डिसाइड होता है किससे सप्लाई एंड डिमांड से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिसाइड की जाती हैं एक्टिविटीज़ डन होती हैं सेकंड गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है वो बहुत कम होता है थर्ड वर्क किस पर करती है प्रॉफिट पर वर्क करती है फोर्थ एग्जांपल है सोशल सॉरी एग्जांपल है इसके इस इकोनॉमी के द यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लैंड एंड द जापैन ओके चार चीज़ें याद हो गई मार्केट इकोनमी को लेकर के इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज प्रॉफिट पर वर्क करते हैं है ना नेक्स्ट इज प्लान इकोनॉमी प्लान इकोनॉमी में भी सेम वही चीज़ें हैं प्लान इकोनॉमी में सब कुछ डिसाइड करती है गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट डिसाइड करती है इट मींस वो सोशल वेलफेयर जो है वो उसका मेन पॉइंट हो जाता है सोशल वेलफेयर पर काम काम करते हैं थर्ड uh, है हमारा कि इसके एग्जांपल्स हैं चाइना वियतनाम क्यूबा ओके सो यू कैन सी पिक्चर यहाँ मैंने आपको uh, कमांड इकोनॉमी एक्सप्लेन की है ये गवर्नमेंट है पॉइंट आउट किया है किसी चीज़ की तरफ वो पूरा मार्केट उसकी हेल्प कर रहा है उसे वहाँ तक पहुँचाने के लिए और ये हमारी गवर्नमेंट है और ये हमारा मार्केट या हमारी इकॉनमी है जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रही है ओके नेक्स्ट इज मिक्सड इकॉनॉमी मिक्सड इकॉनॉमी इज अ कॉम्बो ऑफ कॉम्बो ऑफ प्लैंड इकॉनॉमी एंड सॉरी कमांड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी दोनों का कॉम्बो होता है कुछ चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कुछ चीज़ें मार्केट में फ्रीली छोड़ दी जाती हैं तो इसलिए ये जो इकॉनॉमी होती है ये ये सोशल वेलफेयर पर भी वर्क करती है और इक्वली प्रॉफिट अर्न करने पर भी ध्यान देती है ओके okay, सो so ये सब हो गया और यहाँ कुछ वर्ड्स भी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म कैपिटलिज्म मीन्स की एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर प्रॉफिट सब कुछ है कैपिटल सब कुछ है उसको कंसिडर किया जाता है उसी को ध्यान में रखा जाता है सोशलिज्म मीन्स सोशल वेलफेयर वहाँ पर ध्यान में रखा जाता है तो इट्स अ काइंड ऑफ वर्ड्स जो कि हमें आपको देखने को मिलेंगे इन इन प्लैंड इकॉनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी सॉरी कमांड इकॉनॉमी और मार्केट इकॉनॉमी में मार्केट इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिज्म में आएगी और जो हमारी प्लैंड इकॉनॉमी है वो आएगी सोशलिज्म में ओके तो ये हमारे मिस्टर शेफ़ हैं जो कि दोनों इकोनॉमिक्स को इकोनॉमीज़ को मिला करके एक तीसरी तरह की मिक्स्ड इकॉनमीमी उन्होंने तैयार कर दी है और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया जहाँ पर बहुत सी चीज़ें जैसे कि डिफेंस है रिसर्च है ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है और बाकी चीज़ें जो है वो फ्रीली छोड़ी हुई है मार्केट पर डिपेंड करती हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ दी है पी को बहुत ध्यान से पढ़ना है ओके okay, कुछ समझ नहीं आया देन आस्क मी फील फ्री फॉर आस्क नेक्स्ट इज़ ट्रेडिशनल इकॉनॉमी ट्रेडिशनल इकॉनॉमी जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है ट्रेडिशनल जो भी हमारी कस्टम्स है जो भी हमारी हिस्ट्री है उस सब पर जो भी हमारे टाइम पर जो टाइम बेस्ड बिलीव्स हैं उन सब पर डिपेंड करती है ट्रेडिशनल इकॉनॉमी ओके सब कुछ डिसाइड होता है उन कस्टम्स से उन बिलीव से और उन्हीं को एज इट इज़ फॉलो किया जाता है आंखें बंद करके जैसा कि ट्राइब्स में होता है ओके okay? और उसमें कुछ भी इनोवेशन कुछ भी चेंज नहीं आता है जैसे कि अफ्रीकन ट्राइब है पेरेंट्स अपने से बच्चे को सिखा रहे हैं टू हंट ओके किस तरह से हंट करना है तो ये सब आ जाएगा आपका ट्रेडिशनल इकोनॉमी में नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द ओपन इकोनॉमी एंड द क्लोज इकोनॉमी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ओपन इकोनॉमी मीन्स की जो इकोनॉमी है इकोनॉमी है वो फ्री है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए और कैपिटल फ्लोज के लिए इम्पोर्ट मीन्स आप बाहर किसी भी चीज़, बाहर से किसी भी चीज को अपने देश में लेके आ रहे हो किसी भी गुड्स को लेकर आ रहे हो तो वो हो गया इंपोर्ट ओके okay. आप इम्पोर्ट कर रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी जो मनी है ना वो बाहर भेज रहे हो ओके okay. वो हो गया हमारा क्या वो हो गया कैपिटल फ्लो तो नाउ आई थिंक क्लियर हो गया है कि कैप कैपिटल फ्लो क्या होगा और इम्पोर्ट क्या होगा इम्पोर्ट मींस हम किसी भी फॉरेन कंट्री की किसी भी चीज़ को इंडिया में लेके आ रहे हैं जैसे चाइनीज मोबाइल है तो वो क्या है इम्पोर्ट है उसके लिए हमने इंडियन रुपी पे किया है चाइना को तो वो हो गया कैपिटल फ्लो कि इसमें कैपिटल फ्लो जो है वो आ, वो लैंडिंग हो रही है ओके नेक्स्ट इज इम्पोर्टो इम्पोर्ट हो गया एक्सपोर्ट इंडियन प्रोडक्ट को हम बाहर भेज रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में तो उसके बदले हमारे पास फॉरेन मनी आएगी तो वो हो जाएगी क्या लैंडिंग कैपिटल फ्लो लैंडिंग हो जाएगी बाहर से फॉरेन मनी आ रही है अब सपोज सिंपल सी बात है हम बाहर से कोई सामान लेकर आ रहे हैं से तो जो मनी है वो जाएगी ओके और सामान आ जाएगा और जब हम अपना सामान किसी को बेच रहे हैं तो सामान जाएगा और मनी आ जाएगी तो बाहर से कुछ भी बाहर मीन्स फॉरन कंट्रीज से इंडिया में कुछ भी लेकर आना परचेज करना हो जाएगा इम्पोर्ट लेकर आना हो जाएगा इम्पोर्ट और इंडिया से कुछ इंडियन प्रोडक्ट को बाहर सेल करना बाहर फॉरेन कंट्रीज में वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में सेल कर सेल करना हो जाएगा एक्सपोर्ट ओके इंपोर्ट में फॉरेन मनी आएगी इंडिया में एक्सपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट में फॉरेन मनी इंडिया में आएगी और इंपोर्ट्स में इंडियन मनी फॉरेन कंट्रीज में जाएगी ओके सो आई होप दिज ऑल इकोनॉमीज़ आर क्लियर नाउ सो एक बार मैं आपको सिंपली सब कुछ रिवाइज करवा देती हूँ इकोनॉमी इकोनॉमी मीन्स अ प्लेस विच प्रोवाइड्स द मीन ऑफ लाइवलीहुड ओके एंड वेन

ओके okay, और इसके एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट इंग्लैंड एंड जापान नेक्स्ट इज़ प्लैंड इकानमी प्लैंड इकानमी में गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करती है दैट वट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर हुम टू प्रोड्यूस ओके सारे रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट डिसाइड करती है और uh, डिसाइड uh, uh, करती है गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसलिए प्रॉफिट इसका मेन ऑब्जेक्ट नहीं होकर के प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्ट नहीं होकर के सोशल वेलफेयर होता है ओके okay? सोशल वेलफेयर इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बेस्ड होती हैं किसके लिए सोशल वेलफेयर के लिए, Social, uh, के लिए. Uh, और गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से कंट्रोल करती है यू कैन सी हियर गवर्नमेंट जो इकॉनॉमी है वो uh, उसे गवर्नमेंट पूर, पूरी तरह से कंट्रोल करती है ओके okay. और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास चाइना वियतनाम एंड क्यूबा नेक्स्ट इज़ मिक्सड इकॉनॉमी मिक्सड इकॉनॉमी इज़ अ कॉम्बो ऑफ प्लैंड इकॉनमी एंड मार्केट इकॉनॉमी बोथ और uh, इसमें अब uh, शेफ है जिन्होंने दोनों चीज़ों को मिला करके दो दो दोनों दो इकोनॉमीज़ को मिला करके एक तीसरी तरह की इकॉनॉमी निकाल दी है और वो है इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया जिसमें बहुत सी चीज़ें मार्केट में फ्रीली डिसाइड करने के लिए छोड़ी हुई हैं और बहुत सी चीज़ों पर गवर्नमेंट एक्ट बनाती है और उसे रेगुलेट करती है ओके नेक्स्ट इज़ ट्रेडिशनल इकॉनॉमी सारी एक्टिविटीज़ डिपेंड करती हैं कस्टम्स हिस्ट्री हिस्ट्री और टाइम ऑनअ बिलीव्स पर ओपन इकॉनमी फ्री फॉर फ्री फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ओके एंड क्लोज इकॉनॉमी नॉट फ्री फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है क्लोज्ड इकॉमी में सिर्फ अपनी जो देश होता है जो जो एक कंट्री होती है उसके अंदर ही आप सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हो वर्ल्ड वाइज नहीं करते हो ओपन इकानमी में वर्ल्ड वाइड पूरा वर्ल्ड जो होता है वो एक मार्केट बन जाता है ओके सो योर होम असाइनमेंट इज प्रिपेयर नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं बहुत सारे वर्ड्स इसमें एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कुछ वर्ड समझ नहीं आए देन आप उनसे पूछ सकते हो फील फ्री फॉर आस्क नेक्स्ट इज वाट इज़ द इकानमी वैट शॉर्ट नोट्स ऑन प्लैंड इकानमी मार्केट इकानमी ट्रडिशन इकानमी मिक्सड इकानमी राइट द डिफरेंस बिटवीन मार्केट इकॉमी एंड प्लैंड इकॉनमी जब आपको मीनिंग पता है तो आप इजिली डिफरेंशिएट कर लोगे राइट द डिफरेंस बिटवीन ओपन इकानी एंड क्लोज इकॉनॉमी विच इकानी इज बेटर ओपन और क्लोज गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर सो दैट्स इट फॉर टूडे गुड लक बाय